अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा तहसीन। आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान। ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करते चले। IMF ने पेट्रोलियम डिवीजन में हुकाम से कहा है कि जब तक प्रोटेक्टेड गैस सार्फीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मैकेनिज्म के तहत तहफ़ हासिल नहीं हो जाता, इस वक्त तक क्रॉस सब्सिडी एक ही मरतबा में खत्म ना की जाए और इसे मरहलावार खत्म किया जाए। IMF ने हुकूमत से कहा है कि RLNG को घरेलू सार्फीन तक मुंतकिल करने के लिए गैस सार्फीन के लिए बजट सब्सिडी 1 जुलाई 2024 से खत्म कर दी जाए। हुकूमत ने 2023 से 2022 में घरेलू सार्फिन को RLNG की तरफ मुंतकली की मद में 40 अरब रुपए की सब्सिडी दी थी, जबकि रवा माली साल 2023 से 2024 के दौरान RLNG की तरफ मुंतकली की मद में सार्फिन को 29 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है। इस मरतबा हुकूमत ने प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए 1 फरवरी 2024 से गैस के नरखों में 40.65% इजाफा कर दिया है ताकि 100 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी खत्म की जा सके। ऐसे सार्फिन जो महाना 24 हेक्टोमीटर गैस इस्तेमाल करते हैं, इनके लिए नरखों में 90 रुपए फी MMBTU या 65.29% इजाफा करके 200 रुपए फी MMBTU कर दिया जाए, जो पहले 121 रुपए था। ऐसे प्रोटेक्टेड सार्फिन जो 0.5 हेक्टोमीटर गैस महाना इस्तेमाल करते थे, इनके लिए नरखों में 100 रुपए का इजाफा करके 250 रुपए फी MMBTU कर दिया गया। जो सार्फिन 0.6 हेक्टोमीटर गैस महाना इस्तेमाल करते थे, इनके लिए भी नरखों में 100 रुपए इजाफा करके टैरिफ 300 रुपए फी MMBTU कर दिया गया है। जबकि ऐसे सार्फिन जो 0.9 हेक्टोमीटर तक गैस इस्तेमाल करते हैं, इनके लिए नरखों में 40% इजाफा करते हुए इसे 350 रुपए फी MMBTU कर दिया गया है। जी तो नाज़रीन, ये थी ताज़ा तरीन सूरत हाल जिससे हम आपको आगाह कर रहे थे। मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए गल्फ पाकिस्तान। इसी के साथ आयशा तहसीन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब गल्फ पाकिस्तान।